welcome back to another video. Welcome to another episode of Jojo Ki Rasoi. I know you guys were missing the Jojo Ki Rasoi so much. तो मैंने सोचा आज यहाँ पे हूँ ना हैदराबाद में, तो सब लोगों को कुछ अच्छा सा खिला देती हूँ. तो वहाँ से आइडिया आया कि अरे साथ साथ अब बना ही रही हूँ तो जोजो की रसोई में आप लोगों को भी बता देती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ और कैसे बना रही हूँ. तो जो डिश मैं आज बनाने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल है. सारे के सारे इन्ग्रीडियंट्स आपके घर में आपको मिल जाएंगे और एक दो इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो शायद आपके घर में ना मिले, बट ट्रस्ट मी वो एक या दो जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे ऑप्शनल हैं, आप नहीं भी डालोगे तो चलेगा, ठीक है. तो इस डिश का नाम है नवाबी पनीर. सो हम आज बना रहे हैं जोजो की रसोई, जो एक्चुअली टेक्निकली जोजो की रसोई नहीं है, कंचन की रसोई है, बट इट्स ओके. आज अभी मैं यहाँ पे कुक करने वाली हूँ तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको जोजो की रसोई बोल सकती हूँ. तो आज हम बनाने वाले हैं जोजो की रसोई में नवाबी पनीर. और जो ओरिजिनल वीडियो है जहाँ से मैंने इसकी रेसिपी देख के बनाना शुरू किया अपने घर में, कमल की फेवरेट डिश है ये, वो बहुत बोलता है मुझे बनाने को. तो जहाँ से मैंने ये सीखी थी उसकी ओरिजिनल रेसिपी का लिंक जो है वीडियो का वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो भी देख लेना. सो एनीवे, सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ हमें नवाबी पनीर को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए. तो मैंने सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे पहले लगा ली है, एक घंटा हो गया मैं सारी चीज़ें कर रही थी. तो ये अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें क्या क्या चाहिए एग्जैक्टली पूरी की पूरी डिश तैयार करने के लिए. लेट्स गो. ओके, तो सबसे पहले मैंने एक बर्तन ले लिया है जिसमें मैं कुक करने वाली हूँ. उसके बाद मुझे चाहिए कोई भी ऑयल जो आप यूज करते हो अक्सर अपनी सब्जियां बनाने के लिए. मैंने यहाँ पे लिया है ये ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा धनिया पाउडर इसमें से, देन वी हैव गरम मसाला, देन वी हैव कसूरी मेथी, काली मिर्च, नमक, बटर, जीरा, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ा सा पीस, दो लौंग और दो इलायची. और ये है मेन इंग्रेडिएंट इस डिश का जिससे हमारी करी बनेगी, वाइट बेसिकली ग्रेवी बनेगी, जो कि है काजू. ये मैंने एक मतलब पूरा एक मुट्ठी जो है वो ले लिए हैं. सो तकरीबन 20, 25, 15 जितने भी आपको यूज़ करने आप कर सकते हो. देन वी हैव रफली डाइस्ड अनियंस, 1 spoon of ginger garlic paste, हरी मिर्च और दही. उसके बाद जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है वो है थोड़ा सा केसर, सैफरन. अगर ये है तो ठीक है, नहीं है तो कम्प्लीटली ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है खास टेस्ट पे. ये बेसिकली थोड़ा सा नवाबी लुक देने के लिए इसको हल्का सा गार्निशिंग में मैं यूज करने वाली हूँ, बट अगर नहीं है तो कम्प्लीटली ओके. एंड देन ऑब्वियसली जो मेन इन्ग्रीडियंट है इसका वो है पनीर. इसके अलावा हमें चाहिए पनीर. सो दिस इज ऑल दैट यू नीड. ये सारी की सारी चीजें आई थिंक हमारे घर में अवेलेबल होती है. केसर होता है शायद किसी के घर में ना हो, तो बाकी सारी बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट है. अब मैं अपना कैमरा वैमरा सेट कर लेती हूँ और हम जल्दी से बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को. सो सबसे पहले मैं बर्तन में डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल, तकरीबन 2 spoons. उसके बाद उसमें 2 इलायची, 2 लौंग और जो दालचीनी का छोटा सा पीस है वो ऐड कर रही हूँ. और साथ में मैं डाल रही हूँ जीरा. अब इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, बहुत हल्का सा कुछ सेकंड्स के लिए, 5 सेकंड्स के लिए हिलाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ जो मैंने काट के रखे थे प्याज. और प्याज डालने के बाद भी अगेन मैं इसको बहुत ज़्यादा गैस पे एकदम से ज़्यादा नहीं पकाऊंगी. हमें इन्हें बिल्कुल सिर्फ थोड़ा सा ऐसा करना है कि थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं. तकरीबन 10 सेकंड्स के लिए हिलाऊंगी मैं इनको और उसके बाद इसमें मैं ऐड करूंगी काजू. अगेन काजू डालने के बाद भी बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, जलाना नहीं है. जैसे ही लगे कोटिंग हो गई है ऑयल की और मसाले की सारी, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 चम्मच जो जिंजर और गार्लिक, अदरक और लहसुन का पेस्ट है वो. और उसके बाद फिर से सारी चीज़ों को मिक्स करूंगी और तकरीबन 10 सेकंड के बाद मैं इसमें डाल दूंगी पानी. पानी हम तकरीबन उतना डालेंगे कि मतलब ये जिसमें यू नो सारे थोड़े से भीग जाएँ और जो ये मसाले हैं और काजू है ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ हल्के से. उसके बाद मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च, ये आप ज़्यादा भी डाल सकते हो अगर आपको तीखी पसंद है. मैंने 1.5 डाली है. थोड़ा सा मुझे लगा पानी की और ज़रूरत थी, मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है. और अब इसको हिलाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ नमक. ये नमक ऑब्वियसली आपके अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल रहे हो. मैंने तकरीबन जो ये छोटे वाले चम्मच हैं वो 2 डाले हैं. थोड़ा सा नमक कम रखना क्योंकि बाद में हम इसमें बटर भी डालने वाले हैं और बटर में ऑलरेडी थोड़ा नमक होता है. और इसके बाद सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं इसको रख दूँगी ठंडा होने के लिए. ठंडा करने
के लिए मैं अलग पैन में निकाल रही हूँ, क्योंकि अगर उसी सेम पैन में मैंने छोड़ा ना तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा ठंडा होने में। ओके, अब इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है, क्योंकि जब तक ठंडा नहीं होगा मैं इसको मिक्सी में नहीं चलाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने गरम मसाला मिक्सी में पीस दिया तो मिक्सी ख़राब होने के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो पहले इसको अच्छे से ठंडा होने देना, तब तक जो है थोड़ा जो भी सामान वामान यूज़ हो चुका है आपको नहीं चाहिए वो किचन वगैरह संभाल लेना थोड़ी सी, जो कि एक्चुअली मैं करने वाली हूँ। और जब ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसको मिक्सी में चलाऊंगी एंड देन हम आगे की रेसिपी को तैयार करेंगे। मसाला पीसने के बाद मैं सेम पैन में बहुत थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी तेल डाल चुके हैं, और थोड़ा सा साथ में मैं डाल रही हूँ बटर। दोनों चीज़ों को हल्का सा गरम करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि बटर जल जाएगा, और जो हमने अभी ब्लेंड किया है मसाला सारा का सारा मिक्सी में वो हम सारा इसके अंदर डाल देंगे। और ये काफ़ी गाढ़ा है तो इसलिए मैं थोड़ा सा जो मिक्सी में वैसे भी मसाला लगा हुआ है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से साफ़ करके मिक्सी को इसमें डाल रही हूँ मसाला और थोड़ा सा पानी, और इससे जो है कंसिस्टेंसी मुझे अब थोड़ी सी अच्छी लग रही है, पहले वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था। इसको अच्छे से मैं तकरीबन कुछ 5-10 सेकंड के लिए पकाऊंगी और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी ये थोड़ा सा दही, जो कि है तकरीबन 4 छोटे चम्मच, जो टीस्पून होता है नॉर्मल साइज़ का वो 4 चम्मच है ये, और उसके बाद मैं फिर से इसको अच्छे से मिक्स करूंगी, और उसके बाद इसमें मैं मिक्स करूंगी मसाले। पहला मसाला मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, उसके बाद थोड़ा सा ऐड करूंगी मैं धनिया पाउडर, और थोड़ा अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें तीसरी चीज़ डालूंगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हाथ से मैं थोड़ा सा रगड़ लेती हूँ, मतलब थोड़ी क्रश करके मुझे पसंद है कसूरी मेथी डालनी, और उसके बाद हम तीनों चारों चीज़ों को मतलब पूरी ग्रेवी को अब ध्यान से अच्छे से पकाएंगे। तकरीबन 3 मिनट के लिए मैं इसे पकाऊंगी, और इसमें जब हल्का सा तेल अलग होने लग जाएगा ना उसके बाद हम आगे इसमें काम करेंगे। तो तकरीबन 2-3 मिनट के लिए इसको मैं थोड़ा सा ढक के रख दूंगी, और 2-3 मिनट के बाद ये जब थोड़ी अच्छी से पक जाएगी उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पनीर, जो कि मैंने ये छोटी छोटी ये स्लाइसेस करके रखा हुआ है पनीर का, वो सारा इसमें मैं ऐड कर दूंगी, और पनीर को भी बहुत अच्छे से मिक्स कर दूंगी इस ग्रेवी में, ताकि पूरी पनीर पे मतलब इसकी ग्रेवी की सारी कोटिंग हो जाए अच्छे से। कोटिंग होने के बाद मैं इसमें लास्ट चीज़ एक ऐड करूंगी, जो कि है गरम मसाला। गरम मसाला बहुत कम डालूंगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे मसाले इसमें डले हुए हैं। फिर से अब मैं ढक के रख रही पनीर ताकि पक जाए ग्रेवी के अंदर। उसके बाद मैंने इसको बोल में, सर्विंग बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा सैफ्रन, थोड़ा सा केसर, ये डेफिनेटली ऑप्शनल है, आपको ज़रूरी नहीं है डालना। अगर आपके पास है तो डाल दो, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, थोड़ा और नवाबी लुक आएगा, अगर नहीं है तो यू कैन टोटली स्किप दिस। एंड हमारी नवाबी पनीर की डिश हो गई है पूरी तैयार। खानी अभी नहीं है सब्जी, लंच हो चुका है, मैंने बनाई है 4 बजे के आसपास सब्जी। उसका कारण ये था कि फिर लाइट चली जाती तो मैं वीडियो कैसे बनाती, तो खाएंगे रात को। आज डिनर में यही सब्जी होने वाली है, आई होप सबको पसंद आए। और या दिस इज इट, दिस इज द रेसिपी दैट आई रियली वांटेड टू शेयर। मैं घर में इसको कम से कम 6-7 बार बना चुकी हूँ, कमल लव्स इट। एंड 2-3 चेंजेस, अगर आप ओरिजिनल रेसिपी देखोगे तो 2-3 चेंजेस मैंने किए हैं जिससे एक्चुअली रेसिपी बहुत सिंपल हो जाती है, तो वो आप देख सकते हो। और या यू कैन ट्राई दिस, अगर आप करते हो ट्राई तो डेफिनेटली मेरे को इंस्टाग्राम पे स्टोरी में पोस्ट में जैसे भी टैग जरूर करना। एंड या आई रियली होप दैट यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड दिस रेसिपी। आई एम गोना सी यू गाइस सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।